झुंझुनू बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष वाई एस ठाकुर और बैंक के महाप्रबंधक एन एम डांगी और आपको बता दें एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय स्टाफ और शाखाओं के शाखा प्रबंधकों के साथ व्यवसायिक समीक्षा बैठक ली और इस मौके पर ठाकुर ने बताया कि मौजूदा समय में तीन डिग्री बैंकिंग परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों को आत्मसात करते हुए नवाचार हो रहे हैं इस दिशा में तकनीकी उन्नयन और creditor पोर्टफोलियो में विविधीकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा बैंक के संबंध में उन्होंने कहा कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंक जनता का है है जहां बगैर व्यवधान के सेवा और सहयोग मिलता है वर्तमान में बैंक शाखाओं और 5000 से ज्यादा सक्रिय बैंक मित्रों के जरिए सुदूर गांव और ढाड़ियों में सुविधा उपलब्ध करवा रहा है हमें बैंकिंग सुविधा को हर घर तक पहुंचाना है इस काम के लिए नए बैंक मित्रों की नए बैंक मित्रों को बैंक से जोड़ना है वहीं प्रबंधक योगेश शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष महोदय के अनुसार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमें किसानों को कृषि उत्पादन कार्यों के साथ साथ उन्हें आज के समय की मांग के अनुसार कृषि निवेश संबंधी गतिविधियों के लिए उन्हें प्रेरित करना है और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाना है तो भारतीय बैंक संघ की ओर से प्रतिवर्ष उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ग्रामीण बैंकों को श्रेणी में दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों में बैंक ने पांच श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त कर इतिहास रचा है तकनीकी क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लगातार सातवें साल को बैंक को टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार और वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय कामों के लिए लगातार तीसरे साल बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल Uh, मैं ठाकुर चेयरमैन बरोडा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज एक्चुअली uh, मैं और हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर डांगी जी यहाँ uh, हमारा जो झुंझुनूक क्षेत्र है यहाँ की ब्रांचेस की एक समीक्षा बैठक और हमारे स्टाफ यहाँ के जो रीजनल ऑफिस स्टाफ है उनके साथ एक इंट्रेक्शन मीटिंग इसके लिए हम यहाँ आए थे बड़ी खुशी की बात है कि बैंक के साथ साथ बैंक जितना अच्छा कर रही है उतना हमारा झुंझुनू क्षेत्र भी अच्छा कर रहा है ऑलमोस्ट ऑल द ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस पैरामीटर दे आर

stakeholders like uh, rbi or nabad or government of india so we are focusing on that vision has already been uh, uh, communicated to the field and i'm happy to uh, know that uh, my entire team even last person of my branch is aware of the vision of the corporate office and i'm, I'm hopeful rather confident that in coming days bank will be uh, growing very fast in the uh, in the given direction and uh, definitely helping for the